मंगल खराब की वजह से रहता है नाक पर गुस्सा। मंगल ग्रह को ज्योतिष शास्त्र में एक क्रूर ग्रह माना गया है। अशुभ मंगल जिंदगी में अमंगल का विष घोल देता है। कुंडली टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी गुरमीत बेदी का नमस्कार। आपने बहुत से लोगों को ये कहते सुना होगा कि फलां व्यक्ति की तो नाक पर ही गुस्सा रहता है, या फलां व्यक्ति का पता ही नहीं चलता कि कब उसे गुस्सा आ जाए। यानी बहुत से लोग आपने गुस्सैल तबीयत के भी देखे होंगे। बहुत सी पत्नियां अपने पति की गुस्सैल तबीयत से परेशान रहती हैं, और बहुत से पेरेंट्स इस बात से भी चिंतित रहते हैं कि उनका बच्चा बहुत गुस्सैल और जिद्दी है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि अगर किसी को बेवजह या बात बात पर गुस्सा आता है, या हर वक्त किसी की नाक पर गुस्सा रहता है, तो वह इस बात का संकेत है कि उसकी कुंडली में मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में है, या मंगल ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहा है। कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि हमारे शास्त्रों में और हमारे ज्योतिष में मंगल ग्रह को नव ग्रहों में सेनापति का दर्जा हासिल है। मंगल ग्रह जो है वो सौर मंडल में सूर्य से चौथा ग्रह है। इसके जो तल की आभा है वो रक्तिम है, जिस वजह से इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को ज्योतिष में एक क्रूर ग्रह माना गया है। मंगल जब शुभ होते हैं तो व्यक्ति को बहुत साहसी, बहुत निडर बनाते हैं, और ऐसा व्यक्ति या सेना में जाता है, या पुलिस में उच्चाधिकारी होता है, या प्रशासन में अच्छे रुतबे तक पहुंचता है। और अगर मंगल ग्रह अशुभ स्थिति में होता है तो वह व्यक्ति को क्रोधी बना देता है। यानी मंगल अगर आप पर मेहरबान है तो जीवन में हर ओर मंगल ही मंगल होता है, और अगर आपकी कुंडली में मंगल जो है वो अशुभ है या कमजोर है तो अशुभ मंगल जीवन को अमंगल का विष घोल देता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल ग्रह जब अशुभ स्थिति में होते हैं, जिस व्यक्ति की कुंडली में अशुभ स्थिति में होते हैं उस व्यक्ति को बात बात पर नाराज होने वाला बना देते हैं। मंगल शुभ है या अशुभ है इसका पता ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। व्यक्ति के स्वभाव से ही इसका अंदाजा लग जाता है कि उसका मंगल कुंडली में किस स्थिति में है। मंगल ग्रह जो है वो मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। ये मकर राशि में उसका होता है। कर्क राशि जो है वो मंगल की नीच राशि होती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि बच्चों के स्वभाव को मंगल बहुत जल्दी प्रभावित करता है। बच्चा अधिक शरारतें करने लगे, बहुत जिद्दी हो जाए, बहुत गुस्सैल हो जाए, तो मंगल की स्थिति का कुंडली में पता लगाकर उसका उपाय करना चाहिए। उपाय करने से मंगल के प्रभाव को, दुष्प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को यह भी बता दूं कि अगर जन्म कुंडली में किसी व्यक्ति की मंगल अशुभ स्थिति में है तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम देता है, यानी रक्त संबंधी समस्या, गर्म खून, बात बात पर उत्तेजित होना, बात बात पर क्रोध आना, हमेशा गलत काम करने के विचार आना, मारपीट जैसे करने के विचार मन में आना, ऐसे विचार मन में आते रहते हैं, और ऐसा व्यक्ति जो है वो नियमों को तोड़ने का प्रयास भी करता है। और मंगल अगर अशुभ हो तो शादी विवाह में भी दिक्कत आती है, और मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आती है, कभी कभी डाइवोर्स तक स्थिति पहुंच जाती है, सेपरेशन तक स्थिति पहुंच जाती है। मैं कुंडली टीवी के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि मंगल अगर अशुभ है तो उसका हल भी है ज्योतिष में। मंगल की अशुभता को समय रहते दूर करने का प्रयास करना चाहिए। मंगल को शांत करने के लिए प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, सुंदरकांड का नियमित पाठ करना चाहिए, और सुंदरकांड का पाठ करने से मंगल की जो अशुभता है वो समाप्त होती है। मंगलवार का व्रत रखना चाहिए अगर रख सकते हैं तो। महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, मांस मदरा से परहेज करना चाहिए, नशीले पदार्थों से परहेज करना चाहिए, इनसे दूर रहना चाहिए। इसके अलावा बड़ों का जो है वो पैर जो है बड़ों के वो दोनों हाथों से छूने चाहिए, और मंगलवार के दिन किसी गरीब को, किसी जरूरतमंद को लाल कपड़ा दान करना चाहिए। इससे जो अशुभ मंगल है वो शांत हो जाता है, और मंगल का अशुभ प्रभाव काफी हद तक हम कम कर सकते हैं। आज की पोस्ट में बस इतना ही। मैं गुरमीत बेदी।